जिससे कि उन्हें भी अंधा बना सकें और अपने आप को भी, क्योंकि हमें तो भाई पता है कि बंदे ऊपर ही हैं। तो हम सीधे स्मोक करेंगे और देखना आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे भसड़ होने वाली है। तो हेलो गाइस, हाजिर है एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। और अब से एक से दो दिन में छोड़ के गैपिंग के डेली वीडियोस आते रहेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन में वीडियोस आते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि भाई अब इस चैनल के ऊपर गेम प्ले वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगा मैं। अगर आपका प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बना रहा जैसा आप लोग कर रहे हो तो यार बहुत आगे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई हम लोग आ चुके हैं स्कूल, क्योंकि एक बंदे ने चैलेंज करा था कि स्कूल पे आना, लेकिन फ़िलहाल उसने हमें खाली चूतिया बनाया और कुछ भी नहीं। हम यहाँ पे लूट रहे हैं, उतरते ही मुझे पिस्टल मिल जाती है। और अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कभी हमें प्यारा सा बोट मिलने वाला है जिसको मार के हम अपने खाते को खोलेंगे और एक किल को शुरुआत करेंगे। अब भाई इस बोट को तो निपटा लिया है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपार्टमेंट चला जाए, क्योंकि अपार्टमेंट में मैंने सोचा बंदे आए होंगे और सारे टीममेट्स अपार्टमेंट आ चुके हैं। और मेरे को अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी बंदा देखने को नहीं मिल रहा है, तभी मेरी ऑडियो मतलब काम नहीं करती है। तो मैं थोड़ी सी ऑडियो और बढ़ा लेता हूँ टीममेट्स की, क्योंकि वो सुनना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लालच था M416 का, जो मैं ढूंढने में लगा हुआ हूँ, पर मुझे M416 नहीं मिली फ़िलहाल। नहीं मिल गई नीचे, अगर आप देखो मेरे को M416 मिल गई है। क्योंकि देखो यार स्टार्टिंग है, वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएंगी या स्टार्टिंग में सीखने में टाइम लगेगा। तो यार सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही तुम्हारा भाई कोशिश करेगा कि तुम्हें बोर ना होने दो। और अभी फ़िलहाल हम रोज़ोक की पहाड़ी पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने सोचा बंदे होंगे, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। फिर अचानक से मेरे को एक फायर की आवाज़ आती है, अभी वो देखने को मिलेगी। तो भाई हमें यहाँ से फायर की आवाज़ आती है, निगन की आवाज़ आती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई एनिमी है। तो हम डिसाइड करते हैं क्यों ना वहीं पे जाके इनको पेला जाए और इनका कबाब बनाया जाए। यार जो इंटेंस फाइट यहाँ पे चलने वाली है ना, सही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तीन बंदों को मारूंगा और उन तीनों बंदों को जैसा मैं मारूंगा वो तुम देखना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। अभी मैं यहाँ पे बंदों को स्पॉट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे बंदे छुपे हुए हैं, क्योंकि अगर हम अंधा रश करते हैं तो अभी से यार हम मारे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेट डालता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कोई वॉल के पीछे ना बैठा हो, अगर बैठा भी है तो वो नेट से थोड़ा पीछे चले जाए। लेकिन एक नेट था जो घर में जाके गिरता है, पर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तभी एक बंदा क्रॉस करके मैंने देखा कि वो घर के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे भी मैं नेट डालूँगा। पर यहाँ पे देखो मेरी गलती क्या थी कि देखो भाई मैं नेट डाल रहा हूँ और नेट डाल रहा हूँ लेफ़्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड से तो पिक करने में आसानी होती है, पर लेफ़्ट साइड से पिक करने में आसानी नहीं होती है। तो यहाँ पर नेट डाला पर उससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अब देखना कि क्या होगा। उसने एक गलती करी, कौन सी वो आपको पता है। पहले उसने थोड़ा सा, मैंने उसको लिया था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा डैमेज दिया था, और बिना हिल किए उसने दोबारा से मेरे पे एम लिया और मैंने उसे नॉक करा। और ऊपर भी मैंने इसी तरीके से करा, और यहाँ पे तिसारा वाला मतलब इसकी भी बारी आ चुकी थी और इनका भी राम नाम सत्य हो चुका है। कुल मिला के भैया यहाँ पे हमारे एक बोट को मार के और तीन बंदे मैंने यहाँ पे पेले, तीनों किल मैंने लिए यहाँ पे और चार किल हो चुके हैं। अब हम आ चुके हैं जॉर्जो के स्क्वाड हाउस, जहाँ पे लॉन्डो ने मंगाई है फ्लेयर, और ये आराम से फ्लेयर लूट रहे हैं और आनंद ले रहे हैं फाइट का। और यहाँ पे हाथ बटाने के लिए हम भी आ चुके हैं। अब भैया मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कोई नॉक हो जाए,
और फिर रश कर दिया जाए, क्योंकि फिर आसानी होगी ना। अभी क्या है कि चार बंदे होंगे, और यार अगर चार हुए, हम भी चार हुए, तो थोड़ा पाला भारी पड़ेगा। लेकिन कुछ होता नहीं है, तो हमारी गाड़ी में हो चुका है तेल ख़त्म, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस खाली वक्त में तेल ही भर लिया जाए। तो तेल भर लिया है, और अब इनके ऊपर हम कर रहे हैं अंधा रश, क्योंकि अब भाई धैर्य की सीमा टूट चुकी है। अब मैंने इन्हें बुलाया कि भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, रश करते हैं, क्योंकि रश करने का मज़ा ही कुछ और है। और आप भी, तुम्हें पता है कि आप लोग भी रश गेम प्ले देखने आए हो, तो यहाँ पे पूरा मज़ा मिलने वाला है आप सभी को। और जिस तरीके से यहाँ पे हम घुसेंगे ना भाई, लाजवाब। भाई यहाँ पे तुमने जैसा कि देखा कि मैंने किस तरीके से अपने टीममेट्स को बचाया, क्योंकि वो पूरा फिनिश कर रहा था, और जिस तरीके से मैंने नॉक करा है क्राउच करके, वो देखा आपने। और ये बहुत ज़्यादा काम आता है, क्राउच, जंप, शूट, जिसने ये तीनों बटन्स मास्टर करे हैं भाई, क्लोज कॉम्बैक्ट में हराना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर देखना कि किस बंदे को मैं कैसे मारूंगा। मतलब ये बेचारा इतना डर चुका था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके तीन बंदे पेल दिए थे और अकेला ये बचा था। अब हमारे हो चुके हैं 7 किल, और भैया हम निकल चुके हैं यहाँ से फिर से, कहाँ पता नहीं। अब जहाँ भी बंदे मिलेंगे हम वहाँ मारेंगे, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव था कि भाई जहाँ भी बंदे मिले पेलो। और हम आ चुके हैं पोचंकी की तरफ, जो बाहर से स्क्वाड हाउस होता है ना वहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी भैया चल रही थी धाएँ धाएँ, तो हम समझ चुके थे कि यहाँ पे दो टीम्स हैं जो लड़ रही हैं आपस में। और दोबारा से हम यहाँ पे इनका हाथ बटाने आ चुके हैं, और किसी ने इस बेचारे को नॉक करा था, जिसको मैंने मार के किल ले लिया। और यहाँ पे हमारे हो चुके 8 किल। देखो भाई, किल तो कहीं से भी लो, फायदा अपना होना चाहिए, तभी तो केडी इम्प्रूव रहेगा ना। अब देखो डिसाइड मैंने किया कि भाई यहाँ पे गाड़ी से जाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर हम ओपन से जाते हैं तो भाई पहले जाएंगे, ऑफकोर्स पहले जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे बैठे होंगे M416 लिए, और M416 का स्प्रे जो होता है ना भाई, तुम बच नहीं सकते लॉन्डो से। तो मैंने यहाँ पे बूस्ट करा अपने आप को फुल्ली, और मैंने डिसाइड करा कि भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, और एक बंदा उधर रहना जो ऊपर हमें ईडीएस देगा पीछे से, और हम यहाँ पे रश करेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखो भाई क्या ही होता है। और यहाँ पे भाई ये सारे बंदे अकेले ही किल लेना चाह रहे थे। और भाई यहाँ पे हुआ भी ऐसा। अब तुमने देखा कि कितनी ज़्यादा इंटेंस फाइट यहाँ पे थी, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैं सोच रहा था कि कोई नीचे कूदेगा तो मैं मारूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे नेट बहुत ज़्यादा डाल दिए थे। पर फिलहाल तो छोड़ो, क्योंकि हम भाई मार चुके थे। लेकिन अब हम दोबारा से अपार्टमेंट आ चुके हैं, और यहाँ पे भैया लौंडे रहे हैं लड़, और जिन्होंने हमें आते वो देख लिया, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कार आई तो आवाज़ तो सुन ली होगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बचाऊँ, उसके शॉट तो मुझे नहीं लगे, लेकिन अगर कोई अच्छा प्लेयर होता, अगर उसका एम अच्छा होता, और अगर मैं जिगल करता वो नहीं आता, तो ऑफकोर्स मैं नॉक होता और वो मुझे फिनिश कर सकता था। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं स्मोक क्यों डाल रहा हूँ यहाँ पे। देखो स्मोक मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा टीममेट पीछे से आ रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना है ना, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी नेड नहीं है, तो मैं स्मोक का सहारा ले रहा हूँ एज अ नेड, ताकि वो बंदे पीछे को जाएं, जिसके थ्रू मेरे टीममेट मेरे साथ आ पाएं। तो जैसा तुमने देखा कि मेरे सारे टीममेट्स अंदर घुस चुके हैं, सिर्फ एक बंदा है बाहर, और हम यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करेंगे अंधा रश करने की। और यहाँ पे तुम ये गेम बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने अपनी सारी स्किल्स लगा दी हैं उनको मारने के लिए। लेकिन तुम सोचो कि किसी, मतलब चार बंदों पे रश करना, और वो भी बिल्कुल छत पे बैठे हुए हैं, टीपीपी लेके, हार्ड कवर लेके, और हमको जीने से घुसना है,
उनको मारना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे वो देखना। वो कार जो जा रही थी मैंने उस पर थोड़े से स्प्रे दिए पर उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे फाइट चल रही है वो देखने लायक है और समझने लायक है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम रश करो तो कैसे करना है। तो मैं बोलूंगा नहीं, देखो ध्यान से। भाई मतलब मेरा एक टीममेट था, वो पीछे से सोच रहा था कि मैं देखूं टीपी पे, लेकिन उसने नेट डाल दिया छत से, जिसका डैमेज मुझे भी यार ऑफ कोर्स वो नॉक हो चुका है। और अब तुम देखना भाई जब हम रश करेंगे तो क्या होगा। अभी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब बवाल फैला दिया है, एकदम रायता फैला दिया ऊपर। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं देखूं कि भाई एक्चुअल में बंदे हैं तो हैं कितने। अब मैं यहाँ से खिड़की का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है कि बंदे यहाँ से मतलब टीवी पे लेके बैठे होते हैं जिनको हम आराम से मार सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और मैं कोशिश बस ये कर रहा हूँ कि भाई बंदे एक्चुअल में हैं कितने, क्योंकि वो लोग फुट स्टेप भी नहीं दे रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई चार बंदे हैं, मतलब मैं अपने टीममेट्स को बता रहा हूँ, लेकिन बंदे सिर्फ टू स्टेप्स फुट स्टेप्स आ रहे थे, लेकिन मैं बंदों को ये बता रहा था कि भाई चार बंदे हैं। क्योंकि देखो भाई अगर तुम ऑलरेडी प्री मतलब अपना वो चल को चलोगे ना लेके कि भाई यहाँ चार बंदे तो मुझे चार के लिए इंतजाम करना है, तो थोड़ा आपको डर लगेगा। तो हम भाई बड़ी चतुराई के साथ पहले तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से स्मोक फैलाएंगे जिससे कि उन्हें भी अंधा बना सकें और अपने आप को भी, क्योंकि हमें तो भाई पता है कि बंदे ऊपर ही हैं। तो हम सीधे स्मोक करेंगे और देखना आप कितनी ज़्यादा यहाँ पर भसड़ होने वाली है। मतलब भाई तुमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि मैं रिलोड करने लग गया था। एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि पीछे बंदा है, और फिर मैंने एकदम से M4 स्विच करी जिस वजह से भाई मतलब मुझे नॉक कर दिया गया, लेकिन टीम के होते हुए मैं बच गया। पर यहाँ पे एक चीज़ गलत हुई कि हमारा एक टीममेट हमारे से दूर हो गया, मतलब चले गया वो। चलो कोई नहीं, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, पर ये तो हो गई बात। अब वो गया क्यों भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि उसने हमें ये नहीं बताया कि भाई मैं नॉक हो चुका हूँ और मेरी हीलिंग जा रही है, मुझे रिवाइव दो। और हम लोग इतना ज़्यादा गेम के अंदर घुस चुके थे, इतना ज़्यादा फाइट के अंदर घुस चुके थे कि हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा था हम भूल गए थे कि भाई कौन नॉक है कौन नॉक नहीं है। इस वजह से उस अपनी गलती से मारा गया। फिर क्या भाई, तेल ख़त्म हो गया था, गाड़ी लेनी थी तो गाड़ी ले ली, और अब हम निकल चुके हैं फिर से बंदों को पेलने। तभी बंदों ने मार्क करा कि भाई वहाँ पे बंदे हैं, तो हम निकल पड़े। भाई मतलब बाल बाल बचा हूँ मैं, तुम देख सकते हो मेरी HP। वो बंदा घास में लेटा था लेकिन फिर भी संभाल लिया जैसे तैसे। और अब बंदे लड़ रहे हैं, मतलब फाइट चल रही है, इंशेंट मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अभी हीलिंग से मतलब है, क्योंकि अगर मैं अभी फ़ाइट लूँगा सिर्फ एक गोली लगेगी और मेरा नॉक होना तय है और मैं फिनिश भी हो सकता हूँ, तो कि मैं होना नहीं चाहता। तो भाई एक बंदा बचा था जिसको हम ढूंढ रहे हैं, पर भाई वो नहीं मिल रहा है, ठीक है नहीं मिल रहा है। सब कहीं ढूंढ लिया, छत पर ढूंढ लिया, ऊपर ढूंढ लिया, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन अचानक से भाई एक देवता आते हैं, मतलब गाड़ी ले गए। अब इसके साथ देखना मेरी कैसी फाइट चलेगी। कुछ भी बोलो, उस बंदे का रिफ्लेक्स अच्छा था। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, उसने मैंने उसको मारा भी, गाड़ी ऑलमोस्ट फटते फटते बची। उसके बाद भाई उसने तुरंत मेरे को मारने के लिए कोशिश करी, पर मैं बच गया क्योंकि मैं पीछे चला गया और जब तक मेरे बंदे ने पेल दिया। और अब यहाँ पे चल रहा है भाई स्नाइपर टू स्नाइपर, और अभी यहाँ पे हेडशॉट पड़ने वाला है, और ये पड़ा स्नाइपर का हेडशॉट M24 का। अब फाइनली हम रश करेंगे क्योंकि भाई देखो मेरे अंदर क्या है ना, जब बंदा नॉक होता है ना मैं सोचता हूँ वो रिवाइव ना हो पाए और उन पर चढ़ जाऊँ और मेरा किल कन्फर्म हो जाए, भले मेरी स्क्वाड पूरी ख़त्म हो जाए। ये मेरी मतलब आदत है या बुरी आदत है तुम जो समझो। और अभी यहाँ पे एक बंदा पिचकाऊँगा, उसे देखना भाई, मतलब अलग ही लेवल का स्वैग था ये। और क्या करे, मारा गया वो, मरना अपनी गाड़ी के नीचे था। अब बचा है सिर्फ एक बंदा जिसको हम चारों मिलके पूरी जी जान लगा के ढूंढ रहे हैं, लेकिन भाई मिलने का नाम नहीं है। है तो है कहाँ,
मैंने शेक में ढूंढा, सबका ही ढूंढा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम ऑलरेडी चारों तरफ फैले हुए थे और पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं भाई ये मिल जाए और मैं मार के टर्मिनेटर ले लूँ और मेरे 13 किलो हो जाए, लेकिन भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया, अब वो तुम्हें ये देखने में मिलेगा। देखो भाई वो बंदा है तो है कहाँ, सस्पेंस वाली बात है, सब कहीं ढूंढ लिया, घरों में ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया है। लेकिन फिर दोबारा हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब क्या करते हैं, दोबारा घर में चलते हैं। और हम घर की ओर आ गए तो मैंने सोचा क्या पता यहाँ झाड़ियों में लेटा हो पिछली बार की तरह। मैंने ढूंढा, कोई नहीं मिला, लेकिन अचानक से भाई क्या होता है खुद ही देख लो भाई, टीम नंबर 4 को मिल जाता है वो लौंडा और वो उसे पेल देता है। यहाँ पे हमारे चिकन डिनर हो जाता है और डीमैक्स भाई ने कर दिए हैं 12 किल। तो भाई ये रहा आज का गेम प्ले, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा गेम प्ले। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई होंगी तो मेक श्योर माफ़ कर देना, एंड जिन लोगों ने भी इस वीडियो को लास्ट तक इन्जॉय करा उन सभी को दिल से थैंक यू कहता हूँ। मेक श्योर यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फेवरेट किल कौन सा था, मतलब क्या आपको इस गेम में अच्छा लगा, कहाँ पे मैंने जिस बंदे को मारा वो क्या अच्छा लगा। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूं।